जमीन राजा लोगों ने एक लाइन सुनी होगी कि जीत से पहले की सेलिब्रेशन है, इंजीनियर जब सुल्तान रोड नजर आ रहा है कल ऐसा नहीं होगा, इस तान इंशाल्लाह जीतने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी बड़ी से पहले या कुर्बानी से पहले कुर्बानी, तो आप लोग ये समझने की जीत से पहले की सेलिब्रेशन है, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीत रहा है। और यहाँ पर मैं इस वक्त मुल्तान के एक बड़े मजे के रेस्टोरेंट लिफ्ट में मौजूद हूँ और बड़े मजे से मैं एंजॉय कर रहा हूँ एक बालकनी में बैठ के रोड पे आते जाते लोगों को, और सोच रहा हूँ कि कल हम कितना एक्साइटेड होंगे जब हम जीतेंगे इंशाल्लाह, जब ये सेलिब्रेशन यहाँ पर आपको ये जब सुल्तान रोड नजर आ रहा है कल ऐसा नहीं होगा, कल यहाँ पे आपको अच्छी खासी तादाद में लोग झूमते डांस करते इंशाल्लाह नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतने जा रहा है इंग्लैंड से। और ये एक 30 साल के बाद एक दोबारा से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने जा रही है, और यकीन करें मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से और भी कह सकता हूँ, लेकिन इस वक्त सिर्फ चल माइंड में यही रहा है कि कल का मैच बारिश कितने बजे शुरू होगा और क्या एक्साइटमेंट होगी, तो ये सारी चीजें चल रही है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी इंजॉय करेंगे मैच को, बल्कि सोच रहे होंगे कि क्या होना चाहिए। मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ क्रिकेट को लेकर, और चाहे मैं अब बाहर हूँ यहाँ हूँ लेकिन मेरे माइंड में क्रिकेट चल रही है। तो इंशाल्लाह 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 एक ये सेलिब्रेशन एक फिर मैच जीतने के बाद की सेलिब्रेशन होगी, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई, बाद में बैठे बैठे सोचता हूँ कि शायद बाबर आजम जब ट्रॉफी लेके मुल्तान आएगा उससे मिलने जाएंगे, क्योंकि इमरान खान भी जब 1992 का वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद उसने वो ट्रॉफी लेके मुख्तलिफ सिटीज में विजिट किया था, मुल्तान भी आया था, तो बाबर आजम भी इंशाल्लाह ट्रॉफी जीत के आएगा और विजिट करेगा डिफरेंट सिटीज। अब सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि ट्रॉफी अभी हमें मिलती है या ज्वाइंटली जो है ना वो होती है, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी जा सकती है और हमारे पास भी आ सकती है। ऑर्डर मैंने दे दिया है, तो जब तक ऑर्डर तैयार नहीं होता तो मैंने सोचा कि आप मेरे साथ थोड़ा शिफ्ट करते हैं, बड़ी मजे की जगह है, जैसे यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मैंने भी एक दफा की थी, बड़ी एक्साइटेड क्योंकि नेक्स्ट सी क्या होता है, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि बारिश क्या कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान ने टीम नीचे से ऊपर की तरफ गई है और अब उसके पास खोने को कुछ नहीं है, तो वो ट्रॉफी लेके आएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन तो होते वो ऑलरेडी दे चुके हैं इंडियन कैप्टन को और वो इंशाल्लाह ट्रॉफी लेके आएगी। जी मेरे साथ पूरा पाकिस्तान भी दुआ कर रहा है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह आज की जीत हमारी होगी और ये T20 वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान के नाम जाएगा, मेरी भी ये दुआ है। आप लोग पहले भी आपको पता है कुदरत का निजाम है, बारिश का आना भी कुदरत का निजाम है, और ये पाकिस्तान की विक्ट्री भी कुदरत के निजाम से होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से होगी बिल्कुल, और लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।